हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी से हम कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। जैसे हमें पता है कि जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका प्रूफ सबसे पहले उसके बारे में बताया था वॉन बेयर ने। उन्होंने ये बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी किस प्रकार से एविडेंस के रूप में हम यूज कर सकते हैं फॉर द एवोल्यूशन। इसीलिए वॉन बेयर को हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। अब इन्होंने एक लॉ बनाया था, उसका नाम था बेयर्स लॉ। उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शेयर कॉमन डिसेंट। कॉमन डिसेंट का यहां मतलब होता है इवोल्यूशनरी लीनियज, यानी कि जो डिसेंट है इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी लीनियज। मतलब जो इवोल्यूशन के दौरान जो पैटर्न फॉलो किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म वही इवोल्यूशनरी लीनियज या कॉमन डिसेंट को शेयर करते हैं, और उनके अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न होंगे वो भी सिमिलर होंगे। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न और इवोल्यूशनरी पैटर्न वो दोनों के दोनों सेम फॉलो हो रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा मिलता है जिनके अंदर ऐसा कॉमन इवोल्यूशनरी पैटर्न और इमोलॉजिकल पैटर्न दोनों ही कॉमन है, सिमिलर है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सेम एंसेस्टर से हुआ है। और इसी बात को उन्होंने बताया था और इसी को हम लोग कहते हैं बेयर्स लॉ। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि एम्ब्रियोज भी हम उनके द्वारा भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पे जो समझना था कि अगर आपके सामने हम एम्ब्रियो, जैसे तीन चार प्रकार के ऑर्गेनिज्म से उनके एम्ब्रियो जो अर्ली स्टेज के उनको मिक्स करके रख दें, तो आप ये पहचान नहीं सकते हैं कि ये एम्ब्रियो किसका है, कि वो पिक का है, कि हॉर्स का है, कि ह्यूमन का है, या किसी और मैमल का है। इसका मतलब इन सब में इतनी सिमिलैरिटीज तभी संभव हो सकती है। मैमल तो छोड़िए, फिश का भी अगर हम रख देंगे एम्ब्रियो तो तब भी ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये किस ऑर्गेनिज्म का है। यानी कि हमें ये समझ में आना चाहिए या आता है कि ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज में इतनी सिमिलैरिटी इस बात को सिद्ध करती है, इस बात को प्रूफ करती है कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स एक ही रहे होंगे। अब इस चीज को एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ई हैकल, HAECKEL, अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल। उन्होंने एक लॉ दिया था, उसका नाम था बायोजेनेटिक लॉ। इस लॉ में भी लगभग वही बात थी, बस इनके कहने का तरीका चेंज हो गया था। यानी इन्होंने वेयर्स लॉ जो है उसको री इंटरप्रेट कर दिया, एक प्रकार से उसको कहने का तरीका चेंज करके बताया। और उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात कही, वो कही कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ये बात इन्होंने कही, क्या कहा है उन्होंने, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है यहां पे एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न से, एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न। और इसका मतलब होता है रिपीट करना, और ये मतलब होता है इवोल्यूशनरी पैटर्न से। तो पूरी तस्वीर सेम है, कोई अलग नहीं है, वही चीज है, बस कहने का तरीका चेंज कर दिया। ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जब उसका होता है उस दौरान वो जो भी स्टेज, जो भी अवस्थाएं, जो भी फेज वो फॉलो करता है वो बिल्कुल वही होती है जो उसने
या उसके पूर्वजों ने एंसेस्टर्स ने अपने एवोल्यूशनरी टाइम में फॉलो की होंगी, यानी कि एवोल्यूशनरी टाइम में जो भी स्टेजेस फॉलो की जाती हैं वही एक एम्ब्रियो के द्वारा अपने एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न यानी एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ के दौरान भी फॉलो की जाती है। इसमें सबसे बड़े एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे फिश है उसके अंदर भी गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, और जो मैमल्स होते हैं ह्यूमन की बात करें तो जब हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर गिल स्लिट्स होना इस बात का सिंबल है कि क्योंकि गिल तो केवल एक्वेटिक मीडियम के लिए बनाए गए थे, क्योंकि लैंड के लिए तो गिल बनाए नहीं गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि गिल स्लिट्स का होना इस बात का सिंबल है कि हम लोगों का विकास, हम लोगों का ओरिजिन कहीं ना कहीं सेम पेरेंट्स से, सॉरी सेम एंसेस्टर से हुआ है, और इसी वजह से हम लोग मानते हैं कि दैट वी आर कनेक्टेड। इसके साथ ही साथ हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास नोटो कार्ड होती है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी लाइफ के कुछ स्टेज तक उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बाद में वो नोटोकॉर्ड नहीं रहेगी उनके अंदर। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं उन ऑर्गेनिज्म का संबंध ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ भी है जिनके पास नोटोकॉर्ड है। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर गिल्स का मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, टेल का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे अंदर टेल वर्टिब्रली पाई जाती है, लास्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसको कॉक्सिक्स कहते हैं, वो हमारे अंदर प्रेजेंट है और उनके अंदर भी प्रेजेंट है जिनके अंदर टेल होती है और टेल फंक्शनल है, हमारे अंदर टेल है ही नहीं लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो पार्ट है। इससे मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो समानताएं हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ओंटोजेनी है यानी कि हमारा जो एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न है वो वही हम लोग फॉलो करते हैं जो कभी हमारे एंसेस्टर्स ने एवोल्यूशन के दौरान फॉलो किए होंगे। और जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं और इस डायग्राम में भी हम आपको मालूम पड़ ही रहा होगा आपको कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स हमारे जो है वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है जिसके द्वारा हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम एम्ब्रियोज को अगर हम मिक्स कर दें और ये ना बताएं कि कौन सा एम्ब्रियो किस चीज का है तो आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वास्तव में ये वही एम्ब्रियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि दे आर क्वाइट सिमिलर। प्लांट के केस में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोगों को बात करनी होगी, एक प्लांट है अकेसिया, बबूल का पेड़ होता है ये। इसका अगर आप लीव्स देखें तो ये होती हैं कंपाउंड लीव्स। कैसी होती हैं? कंपाउंड लीव्स। लेकिन जब ये सीडलिंग स्टेज में होता है, सीडलिंग स्टेज में, तब इसकी जो लीव्स होती हैं वो होती हैं सिंपल लीव्स। बाद में ये सिंपल लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं कंपाउंड लीव्स में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं देखिए कि वो अपने जो कंपाउंड लीव्स बनी होंगी कहीं ना कहीं वो भी सिंपल लीव्स से ही बनी होंगी, यानी ये भी इवोल्यूशनरी स्टेज को शो कर रहा है। अपनी लाइफ में इसने वही चीज पैटर्न फॉलो किया जिस पैटर्न में, जिस इवोल्यूशन के क्रम में प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।